तो गाइज आज मेरे पास एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि है ये मोबाइल का वाटरप्रूफ पाउच मैंने अमेजोन से मंगवाया है। अब इससे होता ये है कि हमारे पास जो फ़ोन है उस फ़ोन को हम इसके अंदर डाल के बारिश में, पानी में, स्विमिंग पूल में, कहीं पे भी अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम वही टेस्ट करने वाले हैं, फ़ोन को इसके अंदर डालेंगे और फिर इसको पानी के अंदर डाल के देखेंगे क्या इस पाउच के अंदर फ़ोन तक पानी पहुँचता है कि नहीं पहुँचता, और फ़ोन पानी के अंदर हम इसके अंदर डाल के यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है वाटरप्रूफ पाउच, यहाँ पे इसके साथ में एक स्ट्रैप भी है लेकिन इसको हम साइड में रख देते हैं। अब ये यहाँ पे इसके जो है यहाँ पे यहाँ से ओपन और क्लोज होता है, तो मैं पहले इसको ओपन करके इसके अंदर पहले एक बार फ़ोन रख के देखते हैं। यहाँ से पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ, फिर इसके अंदर हम एक बार पहले फ़ोन रखेंगे। तो यहाँ से फ़ोन रख दिया और यहाँ पे क्लोज हो चुका है। अब पहले ना मैं इसकी टच एक बार ट्राई करके देखता हूँ। तो अभी तो इसकी टच ठीक से काम कर रही है, लेकिन अभी एक बार देख लेते हैं, और ठीक से काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी हम पहले ना इसको पानी में डाल के देखेंगे कि पानी में ये टच काम करती है कि नहीं करती है। तो चलो अभी पहले इस फ़ोन को पानी में डालेंगे और देखेंगे इसके अंदर पानी जाएगा कि नहीं जाएगा। अब देखो फ़ोन मैंने इसके अंदर रख लिया है, अब इसको पानी में डालने से पहले ना मैंने एक चीज़ और सोची है कि मेरे पास ये कुछ टिशू पेपर्स हैं। अब इन टिशू पेपर से मैं करने क्या वाला हूँ कि इस टिशू पेपर को इस फ़ोन के साथ में इसके अंदर डाल दूंगा, जिससे कि अगर थोड़ा सा भी पानी इसके अंदर जाएगा तो ये टिशू गीला हो जाएगा और हमको पता चल जाएगा। तो पहले मैं अभी इस टिशू को और इसके अंदर डाल देता हूँ। अब हम इसको सीधा पानी के अंदर डालते हैं और यूज़ करके देखते हैं कि फ़ोन की स्क्रीन काम करती है कि नहीं करती, और फिर फ़ोन के अंदर तक पानी पहुंच पाता है या नहीं। तो ये रहा हमारा फ़ोन, इसके पीछे मैंने टिश्यू लगा रखा है, अभी तो टच काम कर रही है। और अभी मैं इसको पानी में डालता हूँ, थोड़ा सा भी पानी जाएगा इसमें तो ये जो पीछे टिश्यू है वो गीला हो जाएगा और मैं इसको फ़ोन को पानी से बाहर निकाल लूँगा। तो अभी इसको इसके अंदर डालते हैं। फ़ोन अभी मैंने पानी के अंदर डाला हुआ है और अभी इसके अंदर मुझे नहीं लग रहा कि पानी गया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मुझे नहीं लगता कि अभी इसके अंदर पानी गया है। तो अभी मैं पहले इसकी एक बार स्क्रीन देख लेते हैं ठीक से काम कर रही है कि नहीं। जो टच है वो इतना अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रही, लेकिन हाँ अभी देख लेते हैं, जो टच है वो इतना अच्छे से काम नहीं कर रही है, लेकिन हाँ अभी पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि फ़ोन के अंदर पानी गया है कि नहीं गया। तो फ़ोन मैंने पानी से निकाल लिया, इसको एक बार ही साफ़ करके ये देख लेते हैं कि इसके अंदर पानी गया है कि नहीं। नहीं, इसके अंदर पानी नहीं गया है, टिश्यू एकदम साफ़ है, इसके अंदर पानी नहीं गया है। तो ये अभी तो अच्छे से काम कर रहा है, मतलब कि फ़ोन मैंने पानी के अंदर रखा और इसके अंदर पानी नहीं गया, क्योंकि टिश्यू जो है वो अंदर से एकदम सूखा हुआ है। हालांकि बाहर ये थोड़ा पानी सा है, लेकिन अंदर इसके पानी मैं एक बार पूरा निकाल के देख लेता हूँ, ये बिल्कुल सूखा है। और दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं, ये भी एकदम सूखा है, यानी कि इसके अंदर पानी नहीं गया, ये जो पाउच है वो काम कर रहा है। अभी हम क्या करेंगे कि अभी मेरे पास ये एक दूसरा फ़ोन है जो कि ऑन नहीं हो रहा है, तो अभी मैं इस फ़ोन को इसके अंदर डाल के एक घंटे तक इसके अंदर रखूँगा। तो अभी मैंने यहाँ पे एक दूसरा फ़ोन इसके अंदर रख दिया, ये ऑन नहीं होता, मैं सही फ़ोन का रिस्क नहीं ले सकता। अब इससे ही हमको पता चल जाएगा ये पानी में सर्वाइव कर पाता है, ये पाउच जो है इसके अंदर पानी जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अभी इसको पानी के अंदर, तो यहाँ पे आप देखो 145 अभी है, हम यहाँ पे 15 मिनट बाद देखेंगे कि इसके अंदर पानी गया है कि नहीं गया, इसको एक बार चेक करेंगे। तो गाइस 15 मिनट अभी हो चुकी हैं और इस फोन को पानी से निकाल के देखते हैं कि क्या इसके अंदर पानी गया है या नहीं। तो भाई आप लोग देखोगे पानी अंदर नहीं गया। तो अभी मैंने इसके अंदर और दूसरे टिश्यू डाल दिए हैं, अब हम इसको पूरा एक घंटे तक पानी में छोड़ देते हैं और फिर देखेंगे कि भाई इसके अंदर एक घंटे तक भी पानी अंदर जाता है कि नहीं। तो अब एक घंटे बाद देखते हैं। तो अब इसको पानी से निकाल के देख लेते हैं कि इसके अंदर पानी गया है नहीं। मुझे लगता है कि पानी नहीं गया होगा, पर फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। पहले मैं इसको साफ़ कर लूँ अच्छे से और फिर हम देखते हैं कि भाई इसके अंदर पानी गया है कि नहीं। नहीं, इसके अंदर पानी नहीं गया है, देखो ये बिल्कुल सूखा हुआ है, इसके अंदर भाई पानी नहीं गया है। और अभी मैं फ़ोन निकाल के देख लेता हूँ,
बिल्कुल साफ, इसके अंदर पानी नहीं है। और इसको भी देख लेते हैं भाई, ये भी बिल्कुल सूखा है, इसके ऊपर भी ज़रा सा भी पानी नहीं है। तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा सही है। तो देखा आप लोगों ने भाई, ये जो मोबाइल का वाटरप्रूफ पाउच है ये सच में काम करता है। मुझे नहीं लगता था कि ये इतना अच्छे से काम करेगा, पर लेकिन हाँ, इसके अंदर पानी नहीं गया है। हमने फ़ोन को काफ़ी देर तक इसके अंदर रख के देख लिया है। तो भाई आपने देखा कि हमने इस वाटरप्रूफ पाउच की टेस्टिंग की, बहुत देर तक हमने फ़ोन को इसके अंदर डाल के पानी में रख के देखा, और इसके साथ में हमने टिशू इसलिए लगाया कि अगर थोड़ा भी पानी इसके अंदर जाता, टिशू गीला हो जाता और हमें पता चल जाता कि भाई इसके अंदर पानी जा रहा है। लेकिन आपने देखा, थोड़ा भी पानी इसके अंदर नहीं गया। 100-125 रुपये के आसपास का ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मुझे लगता नहीं था कि ये इतने अच्छे से काम करेगा, लेकिन हाँ भाई, ये काफ़ी सही तरीके से काम करा। आप भी अपने फ़ोन को अगर बारिश में या कहीं पे बचाना चाहते हो तो ऐसा एक पाउच खरीद सकते हो पानी से बचाने के लिए, तो ज़रूर उससे आपका फ़ोन वाटरप्रूफ बन जाएगा थोड़ी देर के लिए, जब तक आप अपने फ़ोन को इसके अंदर रखेंगे, बारिश वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगी। होपफुली ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। आया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और इसके बारे में कुछ और पूछना हो तो मुझे नीचे कमेंट कर देना। मेरा सेकंड चैनल भी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।